आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ यशपी रावत और आज हमारी उपस्थिति महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक अंतर्गत करमहिया ग्राम सभा में है। यह करमहिया ग्राम सभा का सीवान है और जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ था और जिसे जलाया गया है। दरअसल मामला यहाँ यह था कि यहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं तो पता किया गया है मामले के बारे में, तो जिनका यहाँ ये मुर्गी फार्म खुला हुआ है, पोल्ट्री फार्म, इनका कहना है कि यहाँ रात में एक बाघ आया हुआ था और बाघ को भगाने के लिए झोपड़ी को जलाया गया, तब जाकर वह बाघ भगा। चूँकि यहाँ हमारे बाएं साइड में एक जंगल है जो निचलौल रेंज का जंगल है और इस जंगल में तमाम जानवर हैं, भयानक जानवर हैं, बाघ वगैरह हैं, और इनका कहना है कि रात का समय था और यहाँ बाघ आ गया और जब इनका कुत्ता भौंकना शुरू किया तो अचानक इन्होंने झोपड़ी को जला दिया और झोपड़ी जब जला, जब उसमें से आग निकला, तब बाघ गायब हुआ। और फिलहाल क्या क्या उस समय घटना घटित हुआ इस संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि इस झोपड़ी को जलाना पड़ा, क्या मामला था पूरा। सर हम जैसे सामने साइकिल है ना, बस ऐसे आए और यहीं हम साइकिल खड़ा किए, वो जो खाला है, खेत है, हाँ, नीचे डाउन वाला है, वहीं यही जो जला हुआ है वहीं बैठा हुआ था। अच्छा। वहीं बैठा हुआ था। अब हम देखे ऐसे पूरा आँख जबरदस्त चमक रहा था, लाइट दे रहा था। अब साइकिल खड़ा करके माचिस मेरे पास था, तुरंत उसको जला दिए। जलाने के बाद अब लाइट जब आया तो पीछे मुड़ा और हम कहीं मतलब चिल्लाने लगे। तब तक मैंने वहाँ पर देखिए, वहाँ घर है, वहाँ से लोग आवाज़ दिए और वहाँ से आवाज़ दिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो चला गया। लगभग रात का क्या टाइम रहा? वही 7:30 बज रहा था, मतलब शाम के ही वक्त। शाम को ही आया था। अच्छा। वो जंगल से हरना है और वो कनिंग मतलब आते हैं लोग, नीलगाई और जंगल में से शाम को भूखे जो रहते हैं लोग, इधर उसी का शिकार करते हुए वो कनिंग मतलब। अच्छा, रात में आप यहाँ रहते हैं? रात को सर इस पर भी सोते हैं और कनिंग मतलब घर में भी सोते हैं। तो उसी दिन से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं सर, कल्चर ही है मेरा ऐसा है कि हम लोग कल मतलब उतना कल मतलब नहीं कर पाते हैं, डरते नहीं। तो क्या इसकी सूचना अन्य किसी वन विभाग को दिया गया? नहीं सर, कहाँ कोई आते नहीं, आप लोग तो आ गए तो ये कल मतलब कह दिया गया। जैसा कि इनका कहना है कि वन विभाग भी अपनी कोई कार्यवाही नहीं करता है और क्या बताने जाएं, और ये हम लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि हम लोग आ गए यहाँ। दरअसल यह जो बाएं साइड में हमारे जो जंगल है यह निचलौल रेंज का है और इस जंगल में तमाम जानवर हैं, परंतु उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई उस तरह का व्यवस्था किया गया है कि जंगल से बाहर जानवर न जाएं। इस तरह का अगर घेराबंदी हुआ होता तो शायद फसलों को भी बचाया जा सकता। यहाँ जो है फसल भी नष्ट होते हैं, काफ़ी मात्रा में जानवर हैं जंगल में, बताया जाता है कि नीलगाय वगैरह भी हैं जो रात्रि के समय जंगल से बाहर आ जाते हैं। सर, तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि रात्रि का टाइम था और करीब 7:30 या 8 बजे का टाइम था और उस समय बाघ यहाँ आया हुआ था, जो ही यह पहुँचे और देखे तो इस झोपड़ी को जला दिए। इंडिया पावर न्यूज़ के साथ महाराजगंज से यशपी रावत। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।